आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ काफ़ी लेट, क्योंकि रुक जाइए, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये कि आज मैं चली गई थी मंदिर, आज व्रत था मेरा और मंदिर गई और थोड़ा कुछ कुछ काम था जो कि आपको आगे वाले आने वाले ब्लॉग्स में मतलब पता लगेगा कि मैं क्या क्या कर रही थी, मैं किस चीज़ में बिजी थी थोड़ा थोड़ा, तो उन चीज़ों में मैं बिजी थी। और अभी मैं आ गई अपने रूम में, मैं अपना डिनर ले आई हूँ। व्रत है तो ऑफकोर्स व्रत वाला खाना ही है, तो अभी बैठेंगे डिनर करेंगे और फिर उसके बाद जो घड़ी वाला काम अधूरा छोड़े थे उसको कंप्लीट करना है आज। बल को मैंने नीचे बिठाया था थोड़ी देर के लिए और इसको मैं बुलाती जा रही हूँ, वहीं से झांक रहा है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि बाहर आया हो, एक बार भी बाहर नहीं आया है, वहीं कॉर्नर में नीचे बैठा हुआ है, वहीं से जाग रहा है, वहीं से उई 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 उई। अब ये देखिएगा, मैं इसका ये रखूँगी ना, इसका पिंजरा नीचे, इसके पिंजरे में मैंने वो रख दिया है एक खीरे का टुकड़ा, अब ये निकलेगा। यार मैं बेड के नीचे लेट लेट के ना एकदम क्या ही बोलूँ, परेशान हो गई, क्या करना था, बॉटल। यस, अभी पेबल को दे देते हैं खाना और फिर उसके बाद बैठते हैं बनाने के लिए अपना सामान वगैरह। मैंने पंखा कर दिया है बंद क्योंकि पीछे से आवाज़ आती रहती है पंखे की लगातार, ऊपर से पंखा भी कुछ ऐसा है ना कि वो कुछ यूजुअल से ज़्यादा आवाज़ करता देर की, मैं आपको यहाँ टिका दूँ। यस, पंखा है भी ऐसा कि वो यूजुअल से ज़्यादा आवाज़ करता है, इसने ना मतलब उसको और भी वो है कि क्या ही करें, कोई और मतलब आप मेरे को ना एडिटिंग ऐप्स थोड़े से वो करिएगा, आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं जो लोग थोड़ा अच्छे हैं एडिटिंग वगैरह में, प्लीज़ रिकमेंड सम एडिटिंग ऐप्स जो कि बिना प्रीमियम लिए बिना वाटरमार्क के वीडियो एडिट करने में हेल्प करें। तो मैं थोड़ा सा मतलब ये बैकग्राउंड नॉइज़ वाला कम करूँगी, मैं अभी जो ऐप यूज़ कर रही हूँ उसमें ये बैकग्राउंड नॉइज़ हटाने का फंक्शन नहीं है, तो एक बार आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा देखिएगा, अगर कोई ऐसा ऐप है अच्छा तो मुझे बताइएगा, फिर आई यू नो ट्राई टू शिफ्ट ऑन। डबल आगे लग रहा है वो, देखिए बैठा उसके मोटे बेटा, तुम बैठो इसके अंदर वापस, अब तुम ताको इधर उधर, ये लो तुम्हारे खिलौने, तुम्हारे खिलौने तो रख दे। और ये भी थोड़े से पत्ता गोभी, पालक क्योंकि इनकी ख़त्म हो गई तो पत्ता गोभी से अब क्या ही कर सकते हैं, पत्ते लेकिन खाने, इतनी ग्रीनरीज, इतने ग्रीन वेजीज तो मैं नहीं खाती जितना मोटू खा लेता है। तो इनको नीचे बिठाते हैं, उसके बाद बैठते डिसाइड करते हैं कि कौन सा पैटर्न करना है घड़ी पे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा कुछ अलग नहीं दिख रहा है, वही सब पुराना क्लासिक्स, कुछ अलग सा नहीं लग रहा है, पता नहीं लग रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ, ढूंढती हूँ कुछ अच्छा सा डिज़ाइन, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे अभी ऐसा सच्ची में लगा कि मैंने इसे तोड़ दिया, क्योंकि मैं इसमें लगाई तो मे भी होता है ना, कभी कभी होता है कि प्रेशर से नहीं चल रही होती हैं सुई, तो मुझे लगा आई रियली रियली लाइक मेरे से टूट गया हो जैसे ये, और मैं बहुत डर गई थी अभी, पता है कि आई रे जा गया, अब वीडियो कैसे बनेगा, शॉर्ट कैसे बनेगा, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट होपफुली एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, घड़ियाँ चल रही, घड़ी चल रही है, मशीन चल रही है अभी, एंड सी इट्स वर्किंग, इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी डर गई थी कि यार क्यों नहीं काम कर रहा है ये, तो मैंने कुछ डिज़ाइन शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ, रुकिए। तो मैं पिंटरेस्ट पे अभी देख रही थी, मुझे एक ये बहुत पसंद आया,
फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ। या मुझे एक ये बहुत पसंद आया क्योंकि ये ना मतलब इट्स लाइक थोड़ा सा नंबर और अल्फाबेट्स का मिक्सचर है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा अलग लगा, लाइक आई हैव सीन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, एक मुझे बहुत बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मिला है एंड आई जस्ट कांट इग्नोर इट यार। हाय, दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये एक तरह से ना कॉफ़ी थीम है, ये कॉफ़ी थीम है सी। तो ये कॉफ़ी थीम है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक मे बी आई एम सीइंग माई सेल्फ, यू नो, मेकिंग इट, मे बी आई एम सीइंग माई सेल्फ वर्किंग ऑन इट, बट आई डोंट नो। ये मैंने सर्च करती है कॉफ़ी थीम पे, आई शुड सर्च समथिंग, दिस इज़ समथिंग गुड।